मैं चलते शॉट में सो सकता हूँ रोल कैमरा रोलिंग एक्शन लाइन मेरा नहीं है दूसरे का लाइन चल रहा है मैं देखते देखते <laughs> really? और मैं उसको ना मैं जब नींद आती है ना तो मैं एक्टिंग का हिस्सा बनाता हूँ कि ना आंख बंद करके इस करेक्टर की बात सुन रहा हूँ बोल रहा है बोला हाँ, <laughs> हाँ। और आप एक्चुअली नैप ले रहे हो? ले रहा हूं। <laughs> मैं लेकिन उसको ऐसे ब्लेंडिंग करते हूँ करता हूँ डायरेक्टर को और ऑडियंस को लगे कि बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ ये कुछ सुन रहा था कई बार हम होता है ना किसी की बात सुनते सुनते हाँ या या तो या या का वो मैं जा रहा होता हूँ पर ये ध्यान रखता हूँ कि ऐसे ना हो जाए तो अपने गर्दन के है। मसल्स को ट्रेंड करके रखा हूँ कि गुरु सोना तो है लेकिन ऐसा झिकना नहीं है पंकज, such a pleasure to have you on Now Binging. I जी. feel like बहुत साल हो गए बात किए हुए जी तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसके लिए वक्त निकाला अरे नहीं मुझे तो निकालना ही था मैं तो बीच में सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए मैं आपको कॉल करूं हाँ कभी तो बुलाइए कभी तो कुछ बातचीत करें और उस समय उत्तर से भरा हुआ था मैं बहुत तो उत्तर से भरे व्यक्ति को प्रश्न चाहिए सवाल चाहिए मुझसे पूछो मेरे पास बहुत आंसर है तो मैंने सोचा पर वो हुआ नहीं बट चलिए आज इसमें कर रहे हैं आई होप अभी भी उत्तर से भरे हुए हैं थोड़ा कम हो गया है ओहो इधर उधर खर्च हो गया है <laughs> <laughs> तो इस शो पर पंकज हम ओ की दुनिया को सेलिब्रेट करते हैं hmm. और आपने कहा था कि ओ सबसे डेमोक्रेटिक मीडियम है oh. लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि आज भी आ, उतना ही मतलब मीडियम है जहाँ पर रिस्क लेते हैं जहाँ पर नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जो वो एक बहुत एक्साइटमेंट था एक वक्त वो आज भी है कुछ हद तक है भी कुछ हद तक यहाँ भी आ, 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 थोड़ा वो मिलावट और आ, जो जो फिल्मों में होता था वो सिस्टम में कई कई बार मुझे लगता है महसूस होता है तो लेकिन यहाँ की ऑडियंस बड़ी डेमोक्रेटिक है अगर कुछ खराब चीज़ें यहाँ परोसोगे ना तो वो रिजेक्ट कर देगी क्योंकि वो ये नहीं है कि कैसे भी मार्केटिंग का हुआ क्रिएट करके हम छः दिन में कुछ कमाल कर जाएं या हाँ तो यहाँ है कि वो लोग देखना शुरू करते हैं और उनको आधे घंटे एक घंटे बाद इंटरेस्ट नहीं बना तो एग्जिट उतनी आसानी से कर जाएंगे तो बीच के दिनों में मुझे मैं देखता उतना अधिक नहीं हूँ पर मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत ही मीडियोकर एवरेज चीज़ें हमारे इंडियन ओटीटी टी प्लेटफॉर्म्स पर दिख रही हैं इधर उधर तो अब क्या होता है नहीं पता नहीं हमारी फिल्म फैटर्निटी की या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की प्रोड्यूसर्स की खास करके वो मान्यता है कि जो चला है चल गया वैसा ही कुछ बनाओ तो क्राइम ड्रामा चल गया तो इतने क्राइम ड्रामा आ गए कि आप परेशान हो जाएंगे क्राइम ड्रामा से तो फिर अंतर मेरे को आफ्टर मिर्ज़ापुर दसियों जगह वैसे रोल ऑफर हुए कि ये गैंगस्टर है डॉन है मैं बोला कालीन भैया जैसा है मैं बोला तो जैसा है ना वो तो ऑलरेडी कर रहा हूँ करेक्ट तो फिर उसी चीज़ को वापस क्यों करना yeah. किसी दूसरे शो में तो प्लेटफॉर्म तो अभी भी डेमोक्रेटिक है लेकिन चूंकि बीच में मुझे भी लगा कि बहुत सी औसत कंटेंट परोसे जा रहे हैं तो मुझे लगा वो यहाँ तो ये यह है ना कि डेटा तो हर प्लेटफॉर्म को पता है ना करेक्ट आंतरिक सच्चाई सबको मालूम है आंतरिक सच्चाई <laughs> कि कौन कितना देखा गया कहाँ तक देखा गया तो यही है आपने कालीन भैया की बात की तो कालीन भैया फ्रॉम मिर्जापुर और माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस राइट ये आपके दो मतलब ब्लॉकबस्टर किरदार हैं राइट तो अगर ये बताएं कि इस लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग में जब आप वही किरदार सालों साल कर रहे हैं सीजन पे सीजन पे कर रहे हैं इसका चैलेंज क्या होता है इसका चैलेंज एक ये होता है मैम कि ऑडियंस ने उस किरदार को पिछले दो या तीन हिस्सों में देख चुके हैं जितने पार्ट आए हैं जैसे मिर्जापुर का थर्ड आना है या क्रिमिनल जस्टिस फोर्थ की बात चल रही है जबकि वो ओरिजिनल जो बीबीसी का शो था उसके दो ही पार्ट बने थे लेकिन यहाँ भारत में चौथे पे हम पहुँचने वाले हैं हाँ। क्योंकि चल गया लोग पसंद करने लगे तो उसमें चुनौतियाँ फिर राइटिंग की आती है वो बहुत बड़ी है मतलब मैं इवन क्रिमिनल जस्टिस टीम को बोला कि दोस्त राइटिंग पे थोड़ा सा और इन्वेस्ट करो और ध्यान दो टाइम लगाओ क्योंकि फिर क्या ना आप जिन कारणों से पिछला पार्ट हिट हुआ है उन्हीं कारणों को सेकेंड सीजन में रिपीट करने लगते हैं राइट right. क्या नहीं नहीं वो अच्छा लगा था तो वैसा एक सीन डाल दो वो अच्छा लगा था वो वर्क किया था तो, तो उसमें और एक्टर के लिए चुनौती ये है कि ऑडियंस जब तीसरा सीजन देख रही है तो उनको ऑलरेडी वाकिफ़ है इस करेक्टर से तो उनको लगेगा कि सेम सेम चीज़ रिपीट कर रहा है भाई ये टास्क है उसी चीज़ को रिपीट करने का कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलेगा वही रहेगा उसकी लाइफ की चुनौतियां बदल सकती हैं कॉम्प्लेक्स या क्राइसिस या उसका वो कहानी में एक सिचुछ। नया सिचुएशन नहीं, नहीं आ सकती है बट जो आदमी का मूल भाव है उस कैरेक्टर का वो जो सीजन वन में था टू में रहेगा थ्री में रहेगा तो वो एक लगता है कि कुछ सीमित ऑडियंस को ये महसूस होता है कि सेम चीज़ कर रहा है सेम ही चीज़ करना है उसी का तीसरा पार्ट है तो हम क्या करें नया कुछ इसमें नहीं कर सकते अगेन मुझे भी महसूस होता है कि एक स्टोरी टेलिंग के लॉन्ग फॉर्मेट में एक सर्टन पॉइंट पे जाके मेकर्स को खुद समझना चाहिए कि अब ये कहानी हो गई अब इसके बाद इसको रहने दो भले कितना भी हिट हो बट एज एन एक्टर पंकज जब आप कर रहे हो फाइंड कि मैं खुद ही बोर हो गया या ये, ये नहीं होता होता है बिल्कुल होता है और वो सबसे कठिन वक्त है कि जब एक्टर ही बोर हो जाए तो लगता है कि यार कैसे करेंगे क्योंकि हमें काम करने के लिए पैसा रुपया तो सेकेंडरी है पहली है कि वो एक्साइटमेंट हो और चुनौती हो कि कल सुबह क्या करेंगे अब इस रोल में कैसा करेंगे तो वो खराब होता है कई बार कि यार अब क्या करेंगे अब मैं ये बात कई मेकर्स को इन दोनों लोग मुझे पास आते हैं कहानी लेकर और मैं बोलता हूँ कि मैं बोर हो चुका हूँ तो अरे नहीं नहीं इतने ऐसे टाइम मैंने हम बोलो कि अब नहीं करना है मुझे वैसा टाइम मैनेज कि कहीं से भी रात को आके और दस दिन बचा था जीवन के रखे थे बचा के दस दिन आराम करेंगे वो दस दिन इन्हें दे दो कुछ कर लो तो बोरियत हो जाती है और ख़ास करके वेल रिटर्न ना हो तो अगले पार्ट में लगता है सेम चीज़ तो कर रहे हैं यार पहले ही कर चुके हैं yeah. तो लिखावट पर ओ में हर प्लेटफॉर्म पर नॉट ओ सिनेमा में भी राइटिंग पे जितना हम खर्च करेंगे उतना ही बेहतर है एक्टर के लिए उतना ही आनंददायक है करते हुए जैसे जैसे आई थिंक इन ओ माय गॉड टू हां हां द राइटिंग जी इज व्हाट मेड दैट फिल्म बिल्कुल बिल्कुल पूरी राइटिंग का खेल है अमित राय मैं जब पहली बार पढ़ा था तो पढ़ के मैं एक पहली रीडिंग में मैं फिदा हो गया था उस स्क्रिप्ट पे और उस समय मेरे पास डीट्स नहीं थे तो एक फिल्म को आगे पीछे करके मैंने 55, 55 60 दिन निकाल लिए क्योंकि मुझे वनगो में करना था वो एम से मैंने तय किया उसी टाइम से कि अभी एक फिल्म एक साथ करूँगा वनगो में खत्म करके दूसरी पे जाऊँगा पहले ऐसे तीन चलते थे सात दिन इनका छः दिन उनका तीन दिन उनका इसलिए आप मेरा लुक देखेंगे ऑलमोस्ट सारी सीरीज में या फिल्म में सेम ही दाढ़ी वैसे ही घूम रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं है ओवर नाइट मुझे स्विच करना है एक सेट से दूसरे सेट सबकी कंटिन्यूटी चल रही है लोग हर हाल में तैयार थे मैं बीमार था तो बोले आप एम्बुलेंस रखेंगे आ जाओ क्या हाँ क्यों मैं एम्बुलेंस रहेगा सेट पे डॉक्टर रहेगा कोई दिक्कत नहीं आप आओ उसी में कर लेंगे मैंने किया दो तीन दिन ऐसा हुआ है कि एम्बुलेंस रख के मैं सेट पे एक्टिंग किया हूँ यहीं बॉम्बे में फिर मुझे लगा इतना कर क्या कर रहा हूँ तो जो मैं पहले बोला कि आई थिंक भूख बड़ी हो हंगर हो तो ओवर रेटिंग हो ही जाती है मेरा वही ओवर रेटिंग का वक्त चल रहा था बट अब अब नहीं अब दिसंबर के बाद से नहीं अब एक समय पर एक काम वो ख़त्म हो जाए दस दिन का गैप लूंगा सोचूंगा वो बहुत जरूरी है अभिनेता के लिए yeah. नहीं तो बोरियत और जल्दी आ जाएगी स्वयं से एक्टिंग से ऑडियंस को तो तो बाद में आएगी मैं पहले खुद ही हो जाता हूं। yeah. Yeah. तो अब मैं जैसे कुछ सीरीज हैं जिसके तीसरे चौथे पार्ट चल रहे हैं तो मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि अच्छी राइटिंग करवाइए ताकि हमारा एक्साइटमेंट बना रहेगा तभी हम ऑडियंस का बनवा पाएंगे तो पंकज ओ एन आपकी एज अ हीरो फर्स्ट हंड्रेड करोड़ फिल्म है <laughs> जी जी <laughs> तो इसके बाद लाइफ कुछ बदली क्या और भी ऑफर्स आए ऑफर्स तो आते हैं वो तो बहुत आते हैं लेकिन अभी मैं ऑलरेडी कुछ काम कमिटमेंट लेके बैठा हूँ नहीं लाइफ तो कुछ बदली नहीं है नहीं नहीं अब सोच रहा हूँ कि अब अगला जो फिल्म करूँगा तो पैसे थोड़े बढ़ा लूँगा बाकी लाइफ तो नहीं बदली अभी भी उसी बोर्ड से आया हूँ यहाँ तक और फिर ऑटो में हाँ फिर ऑटो में बैठ के आया हूँ और देखिए आज कि हम जिस ऑटो में बैठ रहे थे उसके पीछे ओ माई गॉड टू का पोस्टर लगा था रियली really? हाँ अक्षय सर और मेरा फोटो तो मैं बोला ये देखो ये भी कमाली है तो हमने एक वीडियो भी बनाया है आज मतलब <laughs> मेरे साथ जो लड़का था उसने बोला सर ये तो ये संयोग है तो मतलब चलो ऑटो वाला आपको देख के बोलता तो क्या? नहीं तो उसने समझा नहीं कि लोग रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। तो आगे आगे मैं बोला कि आपने वो देखा और फिर उतरा और पीछे गया उसने वापिस पोस्टर देखा और फिर आके ऐसे मुस्कुराया इधर के अच्छा तब तक मैं अपनी गाड़ी पार्किंग तक पहुंच गया था वहां से मुझे अपनी गाड़ी लेनी थी मैं बोला चलिए बाहर आई वाज वाचिंग जानवी कपूर का इंटरव्यू और वो डिस्क्राइब कर रही थी कि आप कैसे एक्टिंग करते हैं वेरी चिल्ड आउट एंड इतना कि अगर शॉट के बीच में भी आप इतना आर नॉट गेटिंग नर्वस और कोई एंगजाइटी नहीं है कैमरा uh, अगर आपकी तरफ आ रहा है और आपको प्यास लगी आप नीचे से पानी पी लेंगे वापस रख देंगे और फिर एक्टिंग कर लेंगे शी सेड आर एफर्टलेस लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसी एक्टिंग आप करते हैं जितनी अच्छी एक्टिंग आप करते हैं वो एफर्टलेस हो सकती है आप उसे एफर्टलेस दिखा सकते हैं हाँ देखने में एफर्टलेस है ना ये आप करते कैसे मैम एक्टिंग एक ऐसा काम है ना जिसमें कंसंट्रेशन की बहुत अधिक जरूरत है और ये मुझे कई बार मेडिटेशन के लेवल का काम लगता है कि आप जब तक चिल्ड आउट ठहरे हुए नहीं रहोगे क्योंकि एक समय पे हमें चार काम करना है मुझे लाइनें याद करनी है लाइनों को करेक्ट ग्राफ से इमोशनल जो भी उसकी रिक्वायर्ड इमोशन है उसके साथ मैं डिलीवर कर कर रहा हूँ या नहीं तो मुझे डिलीवर करना भी है और उसकी मेजरमेंट भी करना है कि ये अधिक हुआ कम हुआ सही हुआ कि नहीं तो आप परफॉर्म कर रहे हैं आप गाइड कर रहे हैं आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप, आप कैमरे को समझ रहे हैं कि मेरा को एक्टर आके मुझे छुपा तो नहीं लिया लाइन अगर ओ टी चल रहा है तो तो मुझे कैसे एडजस्ट करना हाँ फिर क्या हुआ मुझे याद है पिछले दिनों एक मैं सोशल मीडिया पर देखा ये इससे इस आ गया एक एक्टर एक आया था कुछ हम लोग कर रहे थे प्रमोशनल इवेंट और वो झुकता है मेरे पास और मेरे यहाँ तक आ गया मैंने कंधा पकड़ा बोला हाँ सुनो एक ऑडियंस ने इस बात को नोटिस किया कि कितना ब्रिलियंट इसने एडजस्ट किया ये एक आदमी ने मैं पढ़ा मैं बोला कौन है व्यक्ति यार तो हमने खैर वो तीन चार चीज़ें कर रहे हैं कैमरे की एडजस्टमेंट आपको पकड़नी है लाइटिंग देखनी है आपने करेक्ट मार्क पे लैंड हुआ या नहीं जो भी मार्क दिया है तो एक समय पे पांच छह काम करने हैं तो अगर आप बहुत एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेशन और मेडिटेटिव स्टेज में नहीं होंगे स्टेट में तो बहुत मुश्किल होगा फिर या तो कुछ एक्टर रहते हैं उस चिंता में कि मेरा क्यों कब आने वाला है तो वो सुनते नहीं हैं सुनने का एक्टिंग करते हैं वो सिर्फ क्यू के इंतजार में उसकी आंखें संवाद की आखिरी कान उसके संवाद की आखिरी लाइन सुनने को आतुर है लेकिन इसके पहले वो सुनने की एक्टिंग कर रहा है तो ये बड़ा अद्भुत काम है कि एक स्तर पे समझ रही हैं आप 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 आ, मतलब एक साथ में खाना खाएं गाना सुने और एक पत्र लिखें ये संभव है yeah. कि कान में गाना चल रहा है और रोटी खा रहा हूं और या कुछ भी पी रहा हूँ पत्र भी लिख रहा हूँ तो ये वो काम है कि एक साथ चार पांच चीज़ें आपको मैनेज करनी है तो इसके लिए मुझे लगता है एक्टिंग ट्रेनिंग में अब ये ये सब हालांकि ड्रामा स्कूल के हमारे तीन सालों में रोज सुबह पहली क्लास योगा की होती थी एक घंटे योगा कराते थे हमें लगता था क्यों करा रहे हैं इसका एक्टिंग से क्या लेना देना अब समझ में आया कि एक्टिंग से लेना देना है वो ब्रेन और बॉडी का सिंक करवा रहे थे कि मेरा दिमाग जो एक झूठी इन्फॉर्मेशन दे वो मेरा बॉडी उसको कर एक्सेप्ट करे और ट्रूथफुली एक्सेप्ट करे कि नहीं ये सही खबर आई है तभी हम इमोट कर पाएंगे तो खैर ये करता हूँ और ये करने के पीछे एक तो एक्टिंग, एक्टिंग की ट्रेनिंग अध्यात्म फिलॉसफी लाइफ हिस्ट्री ज्योग्राफी वो तमाम चीजें हैं ही दूसरी चीज़ है कैमरे से मित्रता मैं टीवी में लगभग 800 से 900 सौ शो डेली सोप किया हूँ एपिसोड 800 800, 800 के आसपास तो या 600 हंड्रेड तो श्योर होगा ही होगा टीवी ने मुझे आ, मैं कभी कई एक्टर टीवी में चूंकि कई बार होता है कि आप औसत काम बहुत ही बिलो एवरेज कर रहे हैं डेली शोप है छपाई चल रही है हुँ. मैं उसमें भी आनंद लेता था और मुझे लगा कि ये मेरा चूँकि मैं स्टेज का एक्टर था मैं थिएटर से आया था तो कैमरे के प्रति हमारे हम में एक सहजता नहीं होती क्योंकि हमारी ट्रेनिंग के पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग में कैमरा और सिनेमा नहीं है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सिर्फ थिएटर स्टेज की ट्रेनिंग देती है एक्टिंग सिमिलर है लेकिन मीडियम बदल रहा है स्टेज नहीं है ये कैमरा है तो इसकी अपनी एक ट्रेनिंग जरूरी है हर इंडिविजुअल के लिए तो वो टी ने मुझे वो ट्रेनिंग दिया कि वो ट्रैक पर कैमरा लगता था और मैं में वहाँ चार लोग हैं और कैमरा मुझसे मूव मुझ करके ट्रैक दूसरे कैरेक्टर पर जाएगा उनकी दो लाइनें होने के बाद आएगा मेरे पास मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कैमरा मूव मुझ किया मुझे समझ में आ गया निकल गया मैं अपनी चाय उठाया और पी रहा हूँ और देख रहा हूँ <laughs> उनका <laughs> सीन चल रहा है और फिर कैमरा वापस मेरी तरफ आ रहा है मुझे लगा कि अब मैं एकदम रिस्क पे लास्ट मोमेंट पे रखूँगा मैं फ्रेम में आने वाला हूँ और मैं रख के जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही मिलूँगा तो ये सह... ये सहजता टी वी से हुआ yeah. मेरा एक दोस्त है बैचमेट है वो कैमरा लगा के सोता था कि कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं सो पाऊंगा या नहीं और सोऊंगा तो कैसा होगा देखते हैं <laughs> नसीर साहब आए थे एक बार हमारी एक्टिंग क्लास लेने मैं भी था उसमें तो उसमें सीक्वेंस था सोने का मुझे सुलाया गया और पूरा क्लास बैठा था <laughs> तो मैं सोया हूँ और वो एक एक्सरसाइज एक होती है जिसमें आपको अर्जेंसी नीड्स और मोटिवेशन बताना होता है कि एक किरदार सो रहा है दूसरा कोई कमरे में आएगा कोई संवाद नहीं होगा कोई कुछ नहीं बोलेगा एक सो रहा है और दूसरे को कुछ उस कमरे से लेना है उसमें उसकी नीड्स अर्जेंसी मोटिवेशन बुला बला दोनों के रिलेशन ये सब समझाने हैं तो मैं सो गया हाँ। मैं सो गया जी दो हाँ। डेढ़ एक मिनट लगे होंगे और मैं सो गया और वो मेरे बैच के लोग मुस्कुरा रहे हैं कि वे तो डांटेंगे इसको ये तो सो चुका है खराटे लेने लगा तो

लाइंस भूल जाऊंगा या कितना मुश्किल सीन है ये सब बिल्कुल ये जहन में है ही नहीं।, नहीं, वो वो होगा तो फिर परेशानी क्रिएट होगी ये मीडियम का है कट कर लेंगे फिर से कर लेंगे Number दो की अभी न जीवन मरण का सवाल नहीं है मेरी खराब एक्टिंग से भी मेरी मतलब कुछ गलतियों से भी किसी का जान खतरे में नहीं आएगा <laughs> और इस पीढ़ी में मुझे मैं देखता हूँ कि एक्ट्रेस भी डायरेक्टर्स भी सिनेमा को करते वक्त इतना लग जाते हैं ना कि एक टेक में कुछ गलती हो गई तो पता नहीं वो बेचारे का जो जिस व्यक्ति की वजह से हुई उसके ऊपर सब चढ़ जाते हैं क्या किया क्यों किया मुझे लगता है सिनेमा बना रहे हैं एक फ्राइडे को आएगा इधर लोग पसंद करेंगे और नहीं करेंगे प्राण मत दीजिए हाँ सब कुछ यही नहीं है हम हम जीते हम सिनेमा करते हैं जीवन के लिए सिनेमा के लिए नहीं जी रहे हैं yeah. तो मैं एक्टिंग के लिए नहीं जी रहा हूँ मैं एक्टिंग करता हूँ ताकि मेरा जीवन ठीक ठाक चल जाए तो ये मैं सोच के करता हूँ कि भाई ठीक है जितना मैं कभी इस, इसी कारण से मैं मॉनिटर कब भी नहीं देखता अच्छा जी आज तक मेरे किसी भी डायरेक्टर से पूछ लीजिएगा जब तक वो बुलाए नहीं कि क्या गलती हो रही है आओ देखो मॉनिटर पे तो मैं शायद अपनी हर फिल्म में एक या दो बार मॉनिटर पे डायरेक्टर जब बुलाते हैं वो भी मैं समझ जाता हूँ गलती बिना बुलाए ही मैं बोलता हूँ मुझे देखने की जरूरत नहीं है मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या आपने बताया मैं समझ लिया तो मैं नहीं देखता हूँ मोनिटर क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को खुद जज कर ही नहीं सकता हूँ तो उल्टा संदेह होगा मेरे मन में मैंने अच्छा किया बुरा किया डायरेक्टर ने ओके बोल दिया और मुझे लगता है कि यार इससे और बेटर एक हो सकता था क्या फिर मुझे लगता है पर इन्होंने ओके बोल दिया इनको जो चाहिए था वो मिल गया होगा शायद तो चलो आगे बढ़ो तो कल किसी कहीं बात हो रही थी तो मैं मैं बोला यार आपको कब लगा हुआ एक महिला ने पूछा कि आप ग्रेट एक्टर हैं मुझे लगा मुझे अभी भी नहीं मालूम है कि मैं ग्रेट एक्टर हूँ चूंकि हम सराउंडिंग में इतना एवरेज काम हो रहा है आसपास कि एक थोड़ा सा अबोव एवरेज भी ग्रेट लगने लगता है तो मैं कोई <laughs> तो फिर बट मैं एक्टिंग को उतना ही लाइट नहीं लेता हूँ कि जीवन मरण का प्रश्न नहीं है अभी का ट्रुथ है इस टेक में आज के दिन मेरी जितनी समझ है जितनी ईमानदारी में एक पैसे की कमी नहीं रहेगी ईमानदारी पूरी बरतूंगा पर मुझे पता है कि भाई हो गया अब इसके बियॉन्ड मेरे से कुछ नहीं हो सकता है तो मैं इसलिए मैं कभी रिटेक्स नहीं मांगता कभी मोनिटर नहीं देखता लेकिन मैंने पढ़ा कि आप आउटडोर जब जाते हैं तो एक किचन यूनिट साथ ले जाते हैं हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि आप फिर खिचड़ी बनाते हैं घर के घी के साथ क्योंकि आपने कहा कि अगर सही खाना होगा तो इमोशंस भी सही निकलेंगे निकले। तो ये आई फाइंड दिस फैसिनेटिंग क्योंकि रणवीर जब वो खिलजी का किरदार कर रहे थे पद्मावत में ही hmm. कनेक्शन तो तो है तमस देखिए भोजन में भी सात्विक और तामसिक दो प्रकार बांटे गए हैं नाट्यशास्त्र में अभिनय के चार प्रकार हैं भरत मुनि ने लिखे हैं मेजर उसमें आंगिक आहार वाचिक और सात्विक है आंगिक जेस्टर पोस्चर जो दिखते हैं बॉडी मूवमेंट आहार, कॉस्ट्यूम वो भी दिखता है आ, वाचिक हम सुनते हैं जो एक्टर बोलता है लेकिन सात्विक जो है वो दिखता नहीं है उ, उसका कोई उसको कैसे बोलेंगे मूर्त रूप नहीं है मूर्त रूप सात्विक का नहीं है वो महसूस होता है और अभिनय में सबसे जब एक्टर पैंतीस साल के ऊपर की आयु में जाता है तब धीरे धीरे सत्व को पकड़ने की शुरुआत होती है तो और सात्विक ऑडियंस को भी सब अच्छा लगता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाएंगे कि इसमें क्या था वो क्या एलिमेंट है तो सात्विक के लिए ना आपका शरीर का सिस्टम बहुत दुरुस्त रहना जरूरी है वो सिर्फ सात्विक भोजन के रूप में नहीं एक सात्विक फूड आजकल right. काफी प्रमोट हो रहा है तो, हाँ. तो क्योंकि जब तक हमारा पेट बतौर अभिनेता अगर पेट सही नहीं रहेगा ना उसमें कुछ भी आप उटपटांग खाना डाल दो और आपको लगो कि मैं ज़रूरत पड़ने पे करेक्ट इमोट कर दूँ परेशानी होगी रियली really? जी हाँ मुझे होती है मैं इसलिए शूटिंग के दिन खिचड़ी ही खाता हूँ अभी अटल में लगभग मैं साठ दिन शूट किया साठों दिन दिन में अपनी बनी हुई खिचड़ी वो भी बाहर की नहीं कि कैसी बने क्या बने कोई तेल नहीं कुछ मसाले नहीं चावल दाल जो भी सब्जियाँ मिली लोकल वो डाल के घर का हल्दी घर का घी बना के खा लिए तो वो सत्र को पकड़ने के लिए ना ब्रेन और बॉडी का सिंक करेक्ट होना जरूरी है और उसके लिए ना वह अभिनेता का लाइट फूड आवश्यक है जब बहुत सारे लोग लो कलाएँ हैं साउथ में अगर आप देखें मलयालम में तो जब भी वहाँ मोहनियाट्टम कुड़ीअट्टम इनका परफॉर्मेंस होता है तो वो एक्टर अपना जीवन शैली बदलते हैं एक दो दिन से जिस दिन परफॉर्मेंस हो सुबह से वो तेल मसाला या दो चार दिन से छोड़ देंगे तेल मसाला खाना वो इसलिए नहीं कि कुछ उसमें अध्यात्म और स्पिरिचुअल जुड़ाव है इसलिए भी कि अभिनेता का अपनी बॉडी जो है अपना सिस्टम जो है वो थोड़ा करेक्ट रहे hmm. तो यंग आयु में हम लोग समोसा खा के भी नाटक कर लिया करते थे मुझे याद नहीं अभी मैं समोसा कब खाया हूँ मुझे नहीं अभी मेरे को वो सात्विक चाहिए तभी मेरा तंत्र ठीक रहता है सब कुछ तो पंकज जो आप एक टेक में करते हैं वो आप रिपीट कर सकते हैं नहीं अगले में थोड़ा अलग होगा कुछ क्योंकि मैं बहुत प्रिपेयर्ड होकर नहीं आता हूँ कि ये ऐसे ही करूँगा क्योंकि मेरा मानना है स्क्रिप्ट राइटिंग फिल्म मेकिंग एक इमेजिनेशन का काम है एक लेखक कुछ इमेजिन करता है उसको पेपर पे उतारता है और फिर कैमरा लाता है एक्ट्रेस लाता है लाइटिंग करवाता है और जो उसने इमेजिन की है उसको वो कैप्चर करना चाहता है कैप्चर करते वक्त वो बोलता है परफेक्शन चाहिए मैं बोलता हूँ ये आपने तो इमेजिनेशन में सोचा था तो इमेजिनेशन का क्या परफेक्शन मैं जो कर रहा हूँ यही उस इमेजिनेशन का परफेक्शन हो सकता है तो जो चीज़ एक इमेजिनेशन में आई है उसमें कैसा परफेक्शन ऑर्गेनिक रहने दो ना कुछ एक ऐसा चीज़ मिलेगा जो आपके इमेजिनेशन से

तो <laughs> <laughs> मेरा हम लोग इमोशनल लेबरर भी तो है ना ऑफ कोर्स हंसने गाने रोने के लिए हायर किए जाते हैं <laughs> चलो तुम हंसोगे वो रो रुलाओ <laughs> <laughs> अच्छा आई रेड दिस इंटरव्यू जिसमें आपने कहा कि ना बोलते हुए आपको बहुत दिक्कत होती है आप किसी यू नो यू जस्ट कांट से नो टू एनीथिंग टू द पॉइंट कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ते हुए भी इतना बुरा लगा कि आपने व्हाट्सएप ही छोड़ दिया <laughs> तो अब तो मुंबई में ऑलमोस्ट बीस साल हो गए हैं अभी भी ना बोलना मुश्किल है हाँ थोड़ी कठिनाई होती है ना बोलने में और मुझे कई बार मैं बोला अब मैं स्वयं को भी अभी जानने में लगा हूँ पिछले दिनों मुझे महसूस हुआ अभी भी महसूस हुआ आप सवाल पूछ रही थी कि मैं बहुत अधिक बोलता हूँ बहुत ज्ञान की बातें करता हूँ तुम तो मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि हालांकि मैं पढ़ता हूँ मेरे पास नई सूचनाएं नई इन्फॉर्मेशन काफ़ी आते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे आते हैं दुनिया में क्या हो रहा है या मनोविज्ञान की किताब अभी भी गांव में था मैं पिताजी का देहांत हुआ था बारह तेरह दिन गांव में ही रहा तो मेरे घर की लाइब्रेरी से कुछ ऐसी किताबें मिल गई जो मैं रोज़ पढ़ता था और मुझे लगा कि मेरे ही गाँव के बच्चे या और ये मेरे भाई साहब मेरे घर में रखी किताबें पता नहीं इनको इतनी बेहतरीन किताबें कौन पढ़ेगा तो क्या सवाल था

क्योंकि अपने को जानना भी बड़ा मुश्किल काम है आप उम्र के एक पड़ाव पर पता चलता है कि आप तो ऐसे थे आप भी नहीं जानते थे नहीं। तो मुझे लगता है कई बार कि यार विनम्र होने का अभिनय करता हूँ या मैं हूँ विनम्र मैं ना क्यों नहीं करता हूँ मुझे पता है कि मुझे परेशानी होगी कल परसों की घटना है ऑलमोस्ट ये घटना होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो वहाँ ना करके भी निकल के आ सकता था मैं क्यों हालांकि उस समय नहीं मालूम चला कि कोई दुर्गति होने हो रही है मेरी बाद में रियलाइज हुआ कि फालतू तो में टाइम पास ही किया तो मुझसे ना करना मुश्किल है बहुत मुश्किल है अब कभी कभी कर देता हूँ पिछले हफ्ते हाँ एक एक व्यक्ति से बात हुआ तो मैं ना बोला फिर भी वो समझाए जाए तब मैं बोला भाई साहब मैं दस मिनट से आपको बोल रहा हूँ नहीं संभव नहीं है अब आप कितने भी तर्क दे के अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो वो क्योंकि एक मेंटल स्टेट का होना ज़रूरी है किसी काम के लिए मैं अभी उस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ hmm. तो वो रेयर होता है बट एक एक इंसिडेंट पिछले एक साल में हुई है जब मैंने बोला कि अब आप समझिए नो नो मैं कैसे बोलूँ इस बात को कितना बोलूँ नहीं बोला जाता है मैं काम लेने के मन स्थिति में नहीं हूँ मेरे पास डेट नहीं है मैं बहुत थक गया हूँ एक्टिंग से बोर हो गया हूँ मुझे लगता है इतना कुछ से सामने वाले को समझ जाना चाहिए क्योंकि ना कहने में उसके वो भी कुछ उम्मीद लेके आया होगा तो उसका भी दिल दुखेगा तो इसलिए मैं ना नहीं कहता हूँ कि समय नहीं है कुछ और बहाने कि आप समझ जाओ मैं आपका सम्मान रखना चाहता हूँ मैं बहुत विनम्रतापूर्वक बोलता हूँ बहुत विनम्रतापूर्वक आपको ये बात कह रहा हूँ अभी नहीं है संभव नहीं। मेरे लिए पर ये इस भाषा को ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं। उसके बाद भी दस मिनट चलती है बात आप मुंबई आए अक्टूबर सिक्सटीन टू थाउजेंड एंड फोर और आपने कहा कि मैं हिट होने नहीं आया था मैं कुछ साबित करने नहीं आया था मैं हीरो बनने नहीं आया था पर आप हिट भी हो गए हीरो भी बन गए साबित भी बहुत कुछ कर दिया तो आप कभी सोचते हो कि ये कैसे हुआ मैं सोचता हूँ कि ये कैसे हुआ मुझे याद है मुझे इवन उस वक्त तक जब आखिर पहली बार आपने मेरा इंटरव्यू किया था अनफिल्टर्ड में तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इंटरव्यू देने भी आता है वो आया और जैसा फीडबैक मिला लोगों ने देखा जैसी सब सराहना हुई तो मुझे पता चला अच्छा मैं इंटरव्यू देना भी मतलब मैं लेकिन इंटरव्यू क्या दिया हूँ मैं तो जो पूछी है मैंने आंसर दिया सवाल दिए हैं बताए हैं मुझे पता नहीं था आप क्या पूछेंगे आज भी नहीं मालूम अगला सवाल क्या होगा तो यही इसका मज़ा है यही अनप्रडिक्टबिलिटी बनी रहेगी कि तो मुझे सोचता हूँ कि हाँ कैसे हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कैसे हुआ मैं मुझे रूट नहीं मालूम है इसका मैं किसी को बताना हो कि ये ऐसे होता है तो मैं नहीं बताऊंगा मैं कुछ ऐसे ही वेग सा बोल दूंगा कि ईमानदारी से लगे रहो हार्ड हार्डवर्क ज़रूरी है परिश्रम ज़रूरी है समझ होनी चाहिए बट शायद इन्हीं चीज़ों से हुआ होगा एक मुझे लगता है खुशकिस्मत हूँ कि मैं स्क्रिप्टें सही मुझे मिलते गई वो पता नहीं क्यों कहाँ से कि वो स्क्रिप्टें और वो अलग अलग किस्म की थी अगर मैं मिर्जापुर कर रहा हूँ तो कालिन भैया तो कांतीसवरण मुदगल ओ oh माई गॉड में भी एक किरदार है जो इतना डिवाइन है पवित्र है और उसका तो रोल्स के स्क्रिप्टें अच्छी मिलती गई इन वजहों से हुआ मैं मुझे मार्केटिंग नहीं आती थी आपके पिछले इंटरव्यू में बोला था कि हम मोटिवेशन और रियलिज्म लेके गए हैं आरामनगर में बोल रहे हैं नहीं चाहिए मुझे मार्केटिंग तब भी नहीं आती थी मुझे आज भी नहीं आती है मैं तो कल बोल रहा था कहीं कि मुझे बेचना नहीं आता है पता नहीं दर्शकों ने कैसे खरीद लिया मेरी मार्केटिंग दर्शकों ने करी है कोई क्लिपिंग्स कोई कतरन निकाल के और सोशल मीडिया पर कोई बच्चा डालता है और मिलियन लोग देखते हैं व्यूज उनके जाते हैं पता नहीं मैं कौन है मैं जानता भी नहीं हुआ बहुत लोगों को जो कहीं मिल गया था मैं उनको वहाँ पर इमोजी नमस्ते सादर बोल देता हूँ तो ये ओ और इंटरनेट आने का क्या कारण है कि ऑडियंस डेमोक्रेटिक हुई है एक व्यक्ति जिसके पास बहुत बड़ा पीआर सिस्टम मैकेनिज्म ना हो सिर्फ काम आता हो बावजूद उसके उसको लोग पहुंचा देते हैं और वो मेरे केस में हुआ है मैं क्या, क्या सवाल था मैं क्या बोल रहा हूँ कैसे हुआ आप कभी सोचते हैं नहीं हाँ यही सब सोचते हैं तो ये सब लगता है कैसे हुआ इनको अच्छी कहानियों की वजह से हुआ ओ के आने की वजह से हुआ ओ ने अचानक होल्डिंग्स लगा दिए या कोविड काल में लोग घरों में बंद थे तो बहुत सारा ओ पे कंजप्शन दर्शकों ने देखा मैं कल मुझे आशाताई मिली कहीं पे तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारा प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ तुम्हारा प्रोग्राम खोज खोज के इसको बोलती हूँ बच्ची थी उनके साथ एक कि दिखाओ कौन सा है

पंकज इंडिविजुअल जो है ना वो पंकज त्रिपाठी एक्टर को ठीक से नहीं पहचानता है hmm. और मुझे लगता है ये नहीं पहचाने तो, है। तो मुझे जो मिलता है भी। हाँ. तो हम वो आदमी और एक्टर में उतनी जान पहचान अभी नहीं है और यही बेटर यही बेटर है कि ना वो अब सौ करोड़ क्लब में गई नहीं गई उससे मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता है मैं ईमानदारी से काम करता हूँ करके आ जाता हूँ यस नो कि एक व्यवसाय है जो पैसे लगाता है वो चाहता है कि उसके पैसे सूद समेत और कमाई समेत वापस आए और जब वापस आएंगे तभी ये बिजनेस और ग्रो yeah. करेगा yeah. तो उससे हम इनकार नहीं कर सकते yeah. हम कोई भी किसी भी किस्म का सिनेमा हो इंडी सिनेमा हो कमर्शियल सिनेमा हो हम इसीलिए बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मैं किसी चीज में रिज़िड नहीं हूँ hmm. किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ वो ठीक नहीं है ये ठीक है सब ठीक है hmm. सब अच्छा है हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है अच्छे और बुरे का आप इनफैक्ट कहते हैं पंकज की यू वॉन्ट टू थ्रू एक्टिंग बी अ बेटर पर्सन कि आप इनोसेंस कायम रखें आप संवेदना कायम रखें बट जो

पौधे के साथ बैठिए वो चाहे गमले का पौधा हो या बड़ा विशाल वृक्ष हो उसको देखिए तो अपने आप इनोसेंस और परफेक्शन समझ में आ जाता है कि परफेक्शन दुनिया में कुछ नहीं है जो जिस शेप में है आकार में है जिसके पत्ते जैसे हैं वो परफेक्ट है That was meant to be. हाँ, तो उसको उसी रूप में आनंद तो मुझे कई बार मैं बैठ के इसीलिए मठ में रहता हूँ कि मैं बगुले उड़ते हैं और हमारे सामने ग्रीन बहुत ग्रीनरी है मतलब बॉम्बे में उतना बड़ा ग्रीन पैच पूरीवली नेशनल पार्क ही होगा और दूसरा हमारा इलाका अभी तक बचा है तो हरी पेड़ों के ऊपर जो सफ़ेद बगुले उड़ते हैं ना तो मुझे लगता है कोई सफेद रंग का वो रबड़ का बल्ब छोड़ दिया है जो ऐसे जंप करते करते तो बहुत सारे ब... तो मैं कुछ आधा घंटा बैठ के देख सकता हूँ मुझे लगता है ये जो मुझे इसमें से मिल रहा है किसी और को क्यों नहीं मिलता मेरी पत्नी को नहीं मिलता yeah. वो बोलती है अरे क्या लोग रुक जाओ अभी तो तो वो इनोसेंस की प्रैक्टिस वही है mm. कि हम बहुत ज्यादा गणित बिठाने लगते हैं ना जीवन का बिजनेस का सफल होने का जीतने का हारने का सब स्टेट ऑफ माइंड है जीत हार कुछ नहीं है yeah. जीवन उससे ज्यादा बहुमूल्य है जीवन जीत से और हार से आप तो पता नहीं ये कब से क्यों क्या हो गया है मुझे ऐसी बातें करते रहता हूँ बैठ बैठ के बट अगेन मैं उतना ही अवेयर हूँ वही मैं बोला कि मैं खुद को एक्सप्लोर करने पर लगा हूँ कि यार मैं सच में इतना जेनविन हूँ मैं बहुत चतुर व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि सिनेमा के व्यवसायिक पक्ष से मैं अवेयर नहीं हूँ समझता नहीं हूँ मैं बिल्कुल समझता हूँ इसीलिए मैंने एक्टिंग का अप्रोच वैसा बनाया है कि उसमें एंटरटेनमेंट जाए नहीं कितना भी गंभीर से गंभीर कंटेंट हो मैं उसका एंटरटेनिंग एलिमेंट ना छोड़ू क्योंकि ऑडियंस प्राइमरली हिंदुस्तान में इंटरटेन होने आती है लेकिन अगर उसके इंटरटेनमेंट के कोटिंग में कोई अच्छी बात मैसेज मिल जाए तो वाह वाह होने लगता है आप सब क्रिटिक्स भी तारीफ कर देते हैं और एक बड़ा वर्ग है जो ना भी मिले तो भी उसको लगता है पैसा वसूल हो गया तो मैं दोनों को समझता हूँ और एक संतुलन बना कर चलता हूँ कि ठीक है लेकिन पंकज आई लुकिंग एट योर अपकमिंग मूवीज उसमें हैं स्त्री टू मेट्रो टू मिर्जापुर थ्री क्रिमिनल जस्टिस फोर तो ये इतने सीक्वल्स कैसे हो गए वही मुझे भी नहीं मालूम चला मैम मैं भी एक दिन बैठ रहा था अभी पांच हो गए हैं हाँ। और एक और कोई है तो मैं उनको लगा यार शायद मैं इस वक्त हिंदी सिनेमा का पहला अभिनेता हूं जिसके पांच टू थ्री चल रहे हैं <laughs> तो मुझे कोई एक नए कहानी सुनाने आए थे मैं बोला मैं पहले टू थ्री फोर से मुक्त हूं तब तो आपकी कहानी करूं क्या कर रहे हैं मैं बोला कर रहा हूं। पांच तो नहीं है वो भी जाएगा थोड़े दिन में <laughs> तो पांच चल रहे हैं सिक्वल ये फुकरे हाँ और आप समझो ना क्या कमाल की यात्रा है फुकरे जब वन आई थी तो दस मिनट का रोल था मेरा पूरे फिल्म में गेटकीपर चौकीदार है वो कॉलेज के जहाँ पे ये दोनों आना चाहते हैं लड़के सेकंड में लेंथ बड़ा हो गया काफ़ी बड़ा हो गया थर्ड में बहुत बड़ा हो गया पहली बार पोस्टर पर भी आया हूँ थर्ड में दो हिस्सों में पोस्टर पर नहीं था मैं ये सब कुछ अपने आप हुआ ऑर्गेनिक हुआ मैं जब फुकरे की जर्नी देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी ही यात्रा है एक एक टुकड़ों में आना और इसके लिए मैम मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कैसे इमेज बनाना है कैसे पीआर करना है किन से संबंध बनाने हैं किन की पार्टियों में जाना है किन को गुड मॉर्निंग करना है वो तो और व्हाट्सएप है ही नहीं कि गुड मॉर्निंग yeah. <laughs> सिर्फ काम ईमानदारी से किया yeah. और ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर किसी से मुझे बैर भी नहीं है mm. किसी भी व्यक्ति से बैर नहीं है मैं उतना ही आदर करता हूं हर इंडिविजुअल का तो ये हो गया ये घटना जो हुई है मेरे साथ ना वो सिनेमा में कम होती है yeah. मेरा होना हिंदुस्तान के हर बच्चे को ये हौसला देगा कि बना जा सकता है एब्सोल्यूटली yeah. सिनेमा में ठीक है ये रेयर है अपवाद है कम होता है लेकिन होता है ये असंभव नहीं है इम्पॉसिबल नहीं है, नहीं है। तो उस सेंस में मेरी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है इसलिए मैं कहानियों को चुनते वक्त विज्ञापन फिल्मों को चुनते वक्त मतलब ये पांच सिक्वल के साथ साथ ये बात मैं नहीं करता हूँ ऐसे मैं तकरीबन 25 से ऊपर प्रोडक्ट के ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर हूँ इस समय ट्वेंटी wow. सेवन ब्रांड्स के अलग अलग और ये मैं मुझे भी किसी दिन मैंने पूछा गया अरे टोटल नंबर कितने हैं ये बताइए मुझे मुझे नहीं मालूम तो गिन के बताया छब्बीस सत्ताईस में बोले हैं ये कैसे कब हो गया तो बोले हाँ हो गया जबकि इसमें बहुत चीजें मैं मना करता हूँ right. जिनका मैं स्वयं प्रयोग ना करूँ उनका मैं विज्ञापन नहीं करूंगा hmm. तो ये सवाल क्या था फिर मैं कुछ और

अच्छा अब हम चलते हैं बिंज लिस्ट पर तो आप बिंज करते हैं मतलब पूरी रात कभी? नहीं, बिल्कुल, भी बिल्कुल भी नहीं ऐसा क्यों ऐसा क्यों कि मेरे को सात घंटा सोना चाहिए और मैं बहुत मैं शूटिंग भी रात दो बजे के बाद नहीं करता हूँ पिछले दो तीन साल से मेरा आउट टाइम एक बजे रात में है कि भाई आप पाँच बजे लाइटिंग कर लो मैं छः बजे से चालू कर दूंगा और बारह एक बजे तक छोड़ दो क्योंकि उसके बाद घायल लेबर रहता है पहले तो डे शूटिंग हो तो लेबर रहता है टेक से नाइट हो तो लेबर भी है वो घायल भी हो चुका है मैं चलते शॉर्ट में सो सकता हूं रोल कैमरा रोलिंग एक्शन लाइन मेरा नहीं है दूसरे का लाइन चल रहा है मैं देखते देखते <laughs> ऐसा कभी हुआ, है। हुआ है ऐसा तभी तो बोल शॉर्ट में चलते शॉर्ट में तो, <laughs> कई बार हुआ है ऐसा

जा रहा होता हूँ पर ये ध्यान रखता हूँ कि ऐसे ना हो जाए <laughs> तो अपने गर्दन के मस... मसल्स को ट्रेंड करके रखा हूँ कि गुरु सोना तो है लेकिन ऐसा झिटना नहीं है <laughs> और कट सुनाई दिया अगर मेरी लाइन नहीं है एक बार तो मैं क्यों भूल गया था नींद में वो आ गया और वो लोग बोल नहीं रहा हूँ दो तीन सेकंड का साइलेंस से बोला कट पंकज जी आपकी लाइन तो बोला मेरी लाइन थी हाँ चलो चलो सॉरी फिर से करते हैं मैं सो गया था और मुझे लाइन क्यों मिल भी गया और मैं लेकिन लग नहीं रहा कि सोया है ये इज नॉट ऑफ लाइफ हां पूरी रात नहीं पूरी रात बिल्कुल अच्छा आप, नहीं। दे। नहीं आप देखते हैं अपने तो देखा ही हूँ मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस और आप जब अपना काम देखते हैं तो आप एंजॉय करते हैं क्रिटिकल होता हूँ मुझे लगता है कि यार ये सीन इससे बेहतर हो सकता था इसमें ये खामी है मैं कई बार मुझे देखते हुए लगता है कि मैं जिस जिस सेंस से किया था आइदर डायरेक्टर ने एडिटर ने वो सेंस नहीं पकड़ा है क्योंकि बतौर एक्टर मैं मेरी टेक्निकली आजकल मेरी समझ बहुत बढ़ गई है ये मुझे ऐसा लगता है तो मेरे डायरेक्टर समझेंगे अनुराग बस उन्हें बात कही कि कि आप रेडी हो आप कब डायरेक्ट करोगे <laughs> मैं बोला क्या बात कर रहे अभी उन्हीं के साथ था मैं तो वो टेक्निकली बहुत साउंड व्यक्ति है अनुराग बसु मतलब yeah. एक आदमी कैमरा राइटिंग डायरेक्शन प्रोडक्शन डिजाइन क्या क्या नहीं करते हैं so हाँ yeah. तो क्या फिर मैं भूल गया सवाल क्या था क्रिटिकल होता हूँ यस क्रिटिकल होता हूँ और मुझे लगता है इससे बेहतर हो सकता है और दूसरों का भी देखता हूँ जब टाइम मिलता है तो कभी एक एपिसोड आधा एपिसोड तो आप कुछ हाल ही में कुछ देखा है यू लाइक मुझे मैम याद करना पड़ेगा क्योंकि आजकल एक मेरी दिक्कत है मैं भूल भी जाता हूँ बहुत जल्दी हाँ. तो क्योंकि मैं प्रोजेक्टर बनवाया अभी खराब हुआ था उसके बाद मैं गया था उस रूम में अब क्या देखा मुझे याद नहीं आ रहा है मैं लेकिन मुझे याद है कि मैं उस कमरे में जहाँ मैंने एक लगा के रखा है प्रोजेक्टर आठ बड़ा हाँ और अच्छा साउंड है बढ़िया तो उसमें गया हूँ तो क्या देखने गया था मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा और डिसाइड कौन करता है अगर आप एज अ फैमिली साथ बैठे हो तो आप डिसाइड करते हैं कि वाइफ वाइफ की योर डॉटर नहीं मेरी वाइफ तो मोबाइल में और टीवी पे देख लेती है हाँ। मैं टीवी पे नहीं देखता हूँ मैं जाकर प्रोजेक्टर पे देखता हूँ तो इसलिए दोनों का अपना अपना है उनको वो कभी प्रोजेक्टर पे नहीं जाती हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा ये ऑन करो वो ऑन करो स्पीकर निकालो इधर करो उसमें तीन मिनट का रिशुअल है उसका पर्दा ऊपर से नीचे गिरा हुआ उनको लगे एक रिमोट दबाव चालू हो गया वो नहीं है उसमें आपको दो तीन बार दो तीन स्विच तक वॉक करने होते हैं मुझे उसमें अच्छा लगता है हाँ। फिर मैं पीछे से फाइव पॉइंट वन बनाऊंगा स्पीकर लाके रखूंगा फिर पूरा तो फिर हाँ, सेटिंग, करके। सेटिंग करके तीन चार मिनट के दस मिनट के रिचुअल उसके बाद देखता हूँ फिर अच्छा नहीं लगता कॉन्टेंट तो वहीं से मैं जाके फिल्मी गाने देखने लगता हूँ तुरंत वो एक बटन में अब स्विच हो गया और फिर वहाँ से कोई फिल्म के गाने या। कुछ याद आया कि यार वो देखना है अभी मैंने तिथि के कुछ कोई सीन याद आया एक लड़का आया था मैं बोला तिथि नहीं देखो चलो देखो बहुत तो अच्छी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म या या अच्छा वो कौन सी परफॉर्मेंस है जिसको देखकर आपने कहा कि मैं भी एक्टर बनूंगा फिल्म का कोई ऐसी थी कोई फिल्म या कोई भी परफॉर्मेंस एक, एक, एक एकदम पहला परफॉर्मेंस जिसने बहुत रोला मतलब असर किया था वो तो एक प्रणीता जायसवाल एक्ट्रेस थे पटना में अंधा वो तो प्ले था हाँ प्ले था जी। फिल्मों में आ, मुझे याद नहीं बिल्कुल कोई एक फिल्म पर जब से मैं एक्टर बनने की सोचने लगा तो इरफान खान की परफॉर्मेंस इरफान साहब की परफॉर्मेंस से बड़ा प्रभावित होता था तो पान सिंह तोमर बहुत पसंद है मुझे तो आपने मकबूल दिखी? मकबूल मकबूल हाँ मकबूल, so मकबूल, मैं बहुत बढ़िया था, yeah. था। सिनेमा हॉल में जाकर देखे थे हम लोग तो मनोज भैया की सत्या ने ये अभिनय से प्रभावित थे लेकिन अभिनय से ज्यादा उनका प्रभाव था कि यार ये बेलवा से गए हैं yeah. नदी के उस पार के हैं इवन क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिल रहा था तो चूँकि वो उस साल ऑनलाइन हो रहा था तो मुझे लगा ही नहीं कि कुछ स्पीच भी होता है थैंक right. मिल गया। yeah. उनको बोलते देखा तो मुझे, मुझे मिला था। <laughs> दो सम्मान है नदी के इस पार से आते हैं और मनोज भैया के होने की वजह से वो मेरा असंभव इम्पॉसिबल नहीं है ये जर्नी मैंने तय किया था कि अब चलो अपना झोला उठाओ नदी के इस पार से तुम भी चलो तो वो मनोज भैया की यात्रा बहुत प्रभावित करती है ओम जी का की फिल्म में बड़ी उनके एक्टिंग बहुत प्रभावित करती थी मुझे पंकज कपूर जी मकबूल में बहुत बहुत अद्भुत अच्छा। किया था उन्होंने माय गॉड ही वाज अमेजिंग अमेजिंग और ऐसी कोई परफॉर्मेंस है या कभी भी ऐसा होता है कि आप किसी की परफॉर्मेंस देख के कहते हैं कि काशे मैंने किया होता नहीं ये वो कभी नहीं होता। कब भी नहीं होता कि यार ये रोल मुझे मिल गया होता हाँ। पता नहीं मेरा सॉफ्टवेयर ही नहीं है वैसा तो मुझे मेरे को, मुझे लगता है कि मुझे होनी चाहिए ईर्षया यार इतना अच्छा किया है क्यों नहीं मुझे लगता हाँ किया ठीक है कि मुझे मिला होता मेरा ड्रीम रोल जो मिलता है वही होता है कोई मुझे ड्रीम रोल अलग से नहीं है अच्छा अभी आप स्ट्रीमिंग पे क्या देख रहे हैं बंदा देखी थी मनोज भैया की थोड़े दिन पहले लास्ट अभी अपनी ही इतनी फिल्में देखनी है ना जो आ, बन गई हैं और मेकर्स बोल रहे हैं कि आओ देख लो तीन थी, <laughs> तीन चार तो मैं कल से लगातार तीन चार देखने वाला हूँ जिसमें कड़क सिंह है टोनी दा की फिल्म है वो तो आपने टू थ्री तो वो सिर्फ टू थ्री बोला वो टू थ्री के सिवाय कड़क सिंह है अनिरुद्ध रॉय चौधरी कम्ल के डायरेक्टर हैं मुझे पिछले साल तीन चार अद्भुत डायरेक्टर मिले हैं एक टोनिदा एक अमित राय एक अदजानिया मैं प्रेम में पड़ चुका हूँ उस डायरेक्टर के हाँ मर्डर मुबारक हमने की होमी के साथ उफ बहुत आनंद आया अनुराग बसु तो है ही और एक आदमी है नाम भूल रहा हूँ रवि यादव कोर्स हाँ तो पिछले तीन चार जो जो फिल्में मैं कर रहा हूँ वो सारे डायरेक्टर अद्भुत हैं और तो अब वो ही देखनी है वो देखनी है Correct. ये देखनी है मुझे Correct. जाके बाकी मैं चूंकि न देखने के पीछे दो कारण है एक तो मैं ऑलमोस्ट छह दिन शूट करता हूँ हफ्ते में सातवा दिन ऑफ मिलता है तो उस दिन लगता है कि खाना बना लो कुछ और कर लो वो ग्रीन कारपेट पे सफेद बगलों को देख लो जंप करते हुए कहाँ फिर टीवी के स्क्रीन में लगेंगी ये तो काम ही है मेरा वो है कि मैं 24 घंटे में सिनेमा में नहीं जीता हूँ बारह घंटे की शिफ्ट की उसके बाद मेरा लाइफ कुछ और है yeah. फिर सिनेमा ही नहीं है yeah. कि दिन में यही करूंगा रात को यही देखूंगा इसी की बातें करूंगा यही सब मित्र होंगे तो ऐसा नहीं है yeah. Yeah. और आपकी फेवरेट शोज अभी रिसेंटली नहीं बट इवन इन द पास क्या रहे हैं कोई ऐसे हैं दैट रियली यू लव्ड एक तो पाउडर हमने ही की थी हां ah. बहुत अच्छा शो था समय से पहले आ गया था बहुत वेल रिटन वेल रिसर्च अतुल सबरवाल ने बनाई थी वो तो अभी भी हमें इनफैक्ट पाउडर के लिए कभी कदा मैसेज ऐसे में से आते हैं किसी किसी के तो वो शो बहुत बढ़िया था बना था वो पसंद था उसका साउंड ट्रैक विपिन मिश्रा ने किया था मैं अभी भी सुनता हूँ कभी गाड़ी में इतना बढ़िया था असल में मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं फिर थोड़ी कभी मलयालम की बंगला की फिल्म फिल्म देख लेता हूँ तो मैं मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट उतना देखता नहीं हूँ मैं देखता हूँ थोड़ा सा उस इंडिया स्पेस की कहानियाँ चाहे फिर हमारे अलग अलग हिस्सों की जो भारत की कहानियाँ हैं उनको देख लेता हूँ या डॉक्यूमेंट्री मुझे पसंद है हाँ। तो वो देख लेता हूँ हाँ। फिक्शन कम देखता हूँ मैं अच्छा एक एक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है पहले तो आठ घंटे सोना वो सबसे जरूरी है तो निद्रा आपका नींद पूरी हो जाएगी ना उसके बाद ही कुछ होगा और ज़रूरी चीज़ क्या है सबसे जरूरी बहुत मुश्किल है कि एक चीज़ को पिन पॉइंट करना कि ये ज़रूरी है बहुत मिला जुला है आपका एक डिसिप्लिन लाइफ हो आप जितना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं बॉडी बिल्डिंग पे उतनी ही बिल्डिंग पे भी आपका ध्यान हो आप पढ़ क्या रहे हैं कैसा पढ़ रहे हैं क्योंकि कि कई बार जो स्क्रीन पे जो रेफरेंस मिल रहा है ना वो हमारे इमेजिनेशन को ब्लॉक कर देता है hmm. कि हमने देख ली फ्रेम विजुअल क्या है मुझे पता है आप जब पढ़ते हैं तो विजुअल हम बनाते हैं अपना रीड करते हुए तो उससे क्या होता है धीरे धीरे वो इमेजिनेशन की क्षमता हमारी बढ़ती है yeah. मैं एक दिन अपने बारे में सोच रहा था कि मैं बहुत मेरा क्या रहा होगा बचपन मेरे बचपन में ना इंटरनेट था ना मोबाइल था ना गांव में टीवी था रेडियो के सेट थे दो तीन बस तो हमारी कल्पना की शक्ति बहुत स्ट्रांग थी हम बादल से आकृति बनाते थे कि ये घोड़े का है ये हाथी है हम बहुत सारे प्रश्न होते थे हमारे कि कादल जो भी आसपास और उन प्रश्नों का उत्तर हम कल्पना में ढूंढते थे आज की जनरेशन में वो अभाव हो गया क्योंकि हर तरफ स्क्रीन है हमारे हर सवालों का आंसर किसी न किसी डिजिटल मीडियम पे उपलब्ध है तो हमें लगता है अपनी कल्पना मत दौड़ाओ गूगल कर लो तो इसलिए मुझे किताब में अभी भी मैं एक लाल कत, कलकत्ता बहुत ही कमाल की स्टोरी पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ते रहता हूँ एक बहुत लेजेंड्री व्यक्ति हुए थे बिहार में उनके ऊपर एक अभी नॉवेल खत्म किया महेंद्र मिश्र करके तो आप बुक्स काफी पढ़ते बुक्स ज्यादा पढ़ता हूँ देखते कम? देखते कम है आच्छा, आच्छा। वो भी काफी नहीं मतलब महीने में एक पन्ना तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन जब समय मिला तो मैं उस पे आसानी से चला जाता हूँ क्योंकि right. वो आठ मिनट का स्विच ऑन करने स्पीकर ठीक करने का टाइम नहीं लगता है बिस्तर के साइड से उठाए पढ़ना शुरू किया जब नींद तो रख के सो गए अच्छा अगर पिछले कुछ सालों में कोई भी ऐसी फिल्म थी जिसमें आपको लगा कि दिस वॉज जस्ट अमेजिंग ऐसी कोई फिल्म जिसका हिस्सा नहीं यू ऑल्सो भी पार्ट ऑफ इट या आप नहीं भी वो देखा था मैं बुलबुल यूजुअली हाँ। बड़ी स्टनिंग फिल्म थी वो अनविता की यस हा, हाँ, यस yes, हाँ, हा, हा। yes. तो उसके बाद मैंने वो दोनों एक्टर को मैसेज भी किया था अविनाश और दीप्ति को तो और क्या देखा हूँ मैं मुझे याद नहीं आ रहा मैं उसमें बहुत कच्चा हूँ मैं सॉरी बिंजिंग शो का नाम है और इससे संबंधित सारे सवालों में मैं फेलियर हूँ प्रॉब्लम नहीं है अच्छा लास्ट सेगमेंट है दिस इज अ आपने कल्पना की बात की तो ये बिल्कुल ही इमेजिनरी कहानी है ये पांच क्वेश्चंस हैं एंड यू हैव टू तो टेल अस की व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन तो अगर आपको छुट्टी मनाने जाना है आप कहाँ जाएंगे मिजापुर चंदेरी फ्रॉम स्त्री गुरुजी के आश्रम फ्रॉम सेकंड गेम सीजन टू तो। इनमें से आप कहाँ जाएंगे चंदेरी जाऊंगा हाँ अच्छा है ना चंदेरी बहुत सुंदर है या और विंटर में समर में नहीं अच्छा अब इस छुट्टी पर आपके पीछे कोई पड़ जाता है किससे बचकर भागना इजी होगा कालीन भैया सुल्तान कुरेशी या सत्तू भैया फ्रॉम लूडो <laughs> किससे बच के भागना इजी होगा इजी होगा सत्तू भैया ना सत्तू भैया से हाँ, है ना हाँ. वो दूसरे दो तो बहुत हाँ, ही हाँ, दूसरे दो थोड़े खतरनाक <laughs> लोग हैं सत्तू भैया वैसा हैं कुछ राहुल तो राहुल चल मेरे साथ क्योंकि उनको वो थोड़े वो है थोड़े ज्यादा फ्लेमबोयंट है वो कोई चीज पसंद आ गई तो जा कोई बात नहीं करेक्ट वो हाँ, दोनों तो मार डालेंगे वो दोनों तो खतरनाक लोग हैं करेक्ट करेक्ट सत्य भैया से दोस्ती की जा सकती है <laughs> रंगीन आदमी है थोड़े से यस yes. लाइफ को एंजॉय करते हैं बिल्कुल ही वाज सो लवली आई लव दैट कैरेक्टर अच्छा भागते भागते आपको एक दोस्त मदद करता है कौन ज्यादा हेल्पफुल होगा भानु फ्रॉम मिमी भरतलाल बिहारी फ्रॉम कागज या बाबूलाल फ्रॉम लोकाचोपी <laughs> बाबूलाल तो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगा <laughs> वो तो दूसरा आदमी था <laughs> हाँ हृदय सर वो काइंड था <laughs> लेकिन वो ऐसे झांकने झोंकने की आदत थी उसकी भानु फ्रॉम मिनी है ना हां ही वाज सपोर्टिव वो बहुत सपोर्टिव yeah. बहुत सपोर्टिव yeah. एक सीन था जब वो बोलता है कि मैं ड्राइवर हूँ ना एक बार पैसेंजर को बिठा लिया तो मंजिल पे छोड़ के ही जाता हूं पूछती है कि तू क्यों नहीं भागा हाँ तेरे पास ऑप्शन था बीच में तू भाग जाता बोला नहीं इस संकट में डालने का हिस्सेदार मैं भी हूँ तो अब चलो तो लक्ष्मण उतरे कर कमाल है उसके डायरेक्टर या या अच्छा अब ये केस कोर्ट जाता है तो आपका केस किसको लड़ना चाहिए माधव मिश्रा या फिर कांतिशरण मुदगल ओ माधव अ टफ वन मिश्रा क्यों क्योंकि माधव मिश्रा एलएलबी की डिग्री लिए हुए हैं वो ज्यादा जुगाड़ू है राइट right. हाँ वो कांति भाई सिर्फ फैक्ट और ईमानदारी से लगेंगे बाकी उनमें वकील वाली हरकत नहीं है राइट right. वो, वो हाँ, मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे हां मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे कि कंटेंपरेरी डे में किसी के बीच से कुछ बात निकलवाना है या थोड़ी चलबाजियां करनी है हां माधव मिश्रा कुछ भी वो कर तो वो जो कहाँ चलवाज आदमी है <laughs> वो स्ट्रीट स्मार्ट है सर्वाइवल इंस्टिंग पता है उसको उसके पास एक कमाल का सार्किजम और सटायर का सेंस है करेक्ट कई बार माधव मिश्रा में किरदार में जो, जो मुझे कहना होता है ना मैं लाइन डाल देता हूँ वो <laughs> कि कुछ आसपास सीन में देखा घटित किसी कैरेक्टर की हरकतें दिखा मुझे और <laughs> वो पंकज त्रिपाठी को लगा कि ऐसा ही हरकत कर रहा है तो धीरे से माधव के मुंह से बुलवा दूंगा तो माधव वुड भी ऑप्शन बेटर ऑप्शन हाँ जीतने की संभावना, संभावना है, और थोड़ा ग्रे केस होगा तो भी वो काम आ सकता है कांति भाई ग्रे केस हो तो थोड़ा ही उनको सच्चाई चाहिए हालांकि माधव का भी अंत गत्व वो सच के लिए ही लड़ता है हाँ। बट थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट है राइट ओके लास्ट अगर आपने किसी कैरेक्टर को अपने ओन कैरेक्टर को एडवाइस देनी है

कि आपने कहा था कि जो मन में हो उतार देना चाहिए तो मैं इलाहाबाद आ गई हूँ और मैं आज मिलने जा रही हूँ उससे आ, कुछ तो ऐसा था मुझे बात वो फ़ोन करती है हाँ। कुछ बताती है कि मैं पहुँच गई हूँ या मैंने वो उसके घर तक जाके बच्चे से मिल आई विक्की के घर पे आप कहाँ हैं तो बोलते मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ और भारत भ्रमण पर निकला हुआ हूँ मेरे सामने खेत दिख रहे हैं बहुत सारे लहलाहाते हुए तो कहाँ जा रहे हैं बोला अभी तो पता नहीं कहाँ जाएंगे अगली जो स्टेशन पर जहाँ अच्छी चाय मिलेगी पहला पड़ाव मेरा वहीं होगा तो वो ट्रेन में जा रहा है और उसका है डेस्टिनेशन क्या है बोलता जहाँ बेहतर चाय मिल जाएगी पहली नाइट वही, वही रुकूंगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि पूरा देश घूम लिए क्या अद्भुत है देश हमारा yeah. हर व्यक्ति को देखना चाहिए हर हिस्सा yeah. और, और साध्या जी भी अद्भुत है अद्भुत, अद्भुत तो में आप देखेंगे मेरे सारे कैरेक्टर ना मैं अपनी एक घुमकड़ी वाली तस्र उनमें डाल देता हूँ वो देखने के बहुत शौकीन है घूमना मतलब सिर्फ बॉम्बे से गोवा जाना ही नहीं होता है आप कमरे में बैठे हुए भी घूमते हैं दीवार में एक खिड़की रहती है और विनोद कुमार शुक्ल लिखते हैं कि वो खिड़की के बाहर कमरे में बैठे हैं दोनों किरदार उस कहानी के और बोलते हैं कि वो खिड़की के बाहर पगडंडी है उस पगडंडी में देख रहे हैं कि हम दोनों जा रहे हैं तो हम मैं किसी भी सीन को करते हुए जब मुझे खिड़की दिखती है ना सेट पे तो मैं उस खिड़की के बाहर देखे बिना मैं सीन कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लेखक जब ये सीन लिख रहा होगा तो उसको मालूम है कि कमरे में खिड़की होगी प्रोडक्शन mm. डिजाइनर जब आए या सेट जब फाइनल हुआ उस सेट पर चार खिड़की मिल गई उस कमरे में या तीन मिल गई अब ये तीनों वो राइटर को डायरेक्टर को और प्रोडक्शन डिजाइनर जिन्होंने सेट क्रिएट किया या बनाया मैं जब आता हूँ तो मुझे उस खिड़की से एक सुंदर नज़ारा दिखता है एक बढ़िया फूल का पौधा या कुछ तालाब या झील या समंदर मेरा करेक्टर आता है अपने काम की बात करने में बोलता हूँ कैसे इग्नोर करूँ इस चीज को मैं सिर्फ संवाद नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आया और अपना लाइन बोलना चालू किया तो वो घूमना सिर्फ यहाँ से वहां जाना नहीं होता है आप कमरे में रह के भी यहाँ से भी घूम सकते हैं अपनी खिड़की से भी बाहर जा सकते हैं कि मेरी खिड़की से सनसेट और सनराइज़ कैसा दिखता है मेरी खिड़की से किसी पौधे का हवा में घूमना कैसा दिखता है मुझे देखना चाहिए अनुराधा मैम अनुराधा कपूर मेरी एक पसंदीदा टीचर हैं एक्टिंग की तो वो एक क्लास करती थी आ, विंडो इमेज कि तुम्हारे जीवन की किसी एक खिड़की को क्रिएट करो जो इमेज बहुत स्ट्रांग है और तुम्हारे अंदर बसा हुआ हो तो हम सारे क्लासमेट एक एक विंडो इमेज क्रिएट करते थे हमारे जीवन की एक खिड़की वो पहले एक्सरसाइज में रिजेक्ट कर दे कि नहीं ये तुमने तुम्हारा अपना विंडो इमेज नहीं है फिल्मों से प्रभावित है hmm. तुम्हारी अपनी एक खिड़की होगी खोजो वो खिड़की तो आप चार बार रीडू रीडू करते करते पांचवी बार में एक्चुअल में हमारी अपनी खिड़की मिलती है जिस खिड़की से सिर्फ मेरी है और उस खिड़की पे घटा हुआ कोई इमोशन या घटी हुई कोई चीज वो सिर्फ पर्सनल है दुनिया के किसी सिनेमा में किसी लिटरेचर में कहीं नहीं लिखा गया है yeah. फिर मैं लंबी बात कर दी विंडो <laughs> इमेज no के बारे में असल में ज्ञान अधिक हो ना सूरज ना चाहते हुए भी रोशनी दे ही देता है तो <laughs> मुझे मैं फालतू की बातें करता हूँ आप काट छाट के छोटा कर लेना ये

पढ़ते हैं समझते हैं तो लगता है कि हम कितना कम जानते हैं yep. Yeah. तो मैं हर रोज मुझे पता चलता है मैं बेवकूफ हूँ अभी मैं तो कितना कम जानता हूँ लेकिन फिर इंसान हूँ जितना जानता हूँ उसमें तो वो ढेली दूंगा Correct. वो तो बता ही दूंगा मैं इतना जानता हूँ <laughs> लेकिन दूसरी तरफ पता चलता है मैं कितना कम जानता हूँ <laughs> नहीं आप आप बताते रहिए थैंक यू थैंक यू तो पंकज जो आप एक टेक में करते हैं वो आप रिपीट कर सकते हैं नहीं अगले में थोड़ा अलग होगा कुछ मैं एक्शन अलग कर दूंगा लाइन <laughs> के पॉजेज अलग हो सकते हैं हाँ। <laughs> तो उसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा मैं तय कर फिक्स करके नहीं जाता हूँ कि इस सीन को ऐसे ही करना है और आपका पहला टेक सबसे अच्छा होता है या यू नीड टू गेट वार्म पहला दूसरा बस मैक्स किसी बुरे अवस्था में तीसरा तीसरे के बाद तो मैं लेबर मेरा काम करता है एक्टर काम नहीं करता है really? जी मैं क्योंकि लेबर भी तो है ना सामने वाले ने हायर किया पैसे है पैसे दिए हैं तो बीस टेक चाहिए करेंगे तो एक्टर पहला दूसरा थर्ड टेक उसके बाद लेबर जो है उसे बीस टेक ले लो कोई दिक्कत नहीं